नमस्कार। नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपके अपने इस YouTube चैनल सेना क्लासेज पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त और बहुत सारा प्यार सेना क्लासेज के सभी वीडियोस, वन मिनट ज्ञान सीरीज, क्वेश्चन सीरीज, लॉज के शॉर्ट्स और जो मैथमेटिक्स की वीडियोज़ हैं या क्लासेज हैं उन सबको दिया है। उम्मीद करता हूँ कि मैं आगे भी आप सबके लिए कुछ ना कुछ करता रहूँगा और आप सभी का प्यार और साथ यूँ ही बना रहेगा। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आप लोगों के पास उपस्थित हूँ। ये क्लास 10 के मैथ्स बुक से रिलेटेड है, उससे लिया है मैंने। और मैं अगर बुक का नाम बोलूँ तो आर डी शर्मा बुक से लिया है मैंने ये क्वेश्चन। थोड़ा सा लेट है इस सवाल में, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक मिनट मैं चाहूँगा कि लीनियर इक्वेशन के इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ही एक ऐसा तरीका आपको बता सकूँ कि आप आसानी से आगे किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले आप दो तीन बातें एकदम ढंग से समझ लें कि वर्ड प्रॉब्लम्स लीनियर इक्वेशन में जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ने के बाद, उसकी अननोन क्वांटिटीज, वेरिएबल्स, इन सबको समझने के बाद जब आप इक्वेशन फॉर्मुलेट करें तो वो एकदम सही होना चाहिए। क्योंकि अगर इक्वेशन सही फॉर्मुलेट नहीं हो पाएगा तो फिर आगे का सॉल्यूशन सही होने का सवाल ही नहीं उठता। आप इन चीजों को समझें तो इसको आप दो तीन स्टेप्स में बांट लें। सबसे पहले आप क्या करें प्रैक्टिस के दौरान कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द अननोन क्वांटिटीज। एंड सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को पूरी तरह से रीड कर लें एक अच्छी तरह से, उसके बाद उसमें जो अननोन क्वांटिटीज हैं, इट मींस जो आपको फाइंड आउट करने हैं उसे पहचान लें। फिर क्या करें, गिव दीज क्वांटिटीज अ नेम इन वेरिएबल, व्हाटएवर यू वांट, एक्स वाई जेड ए बी सी, जो भी आपको पसंद हो उन अननोन क्वांटिटीज को वेरिएबल का एक नाम दे दें। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप की तरफ चले। सेकेंड स्टेप में क्या करें आप, सेकेंड स्टेप में भी एक बार फिर रीड द क्वेश्चन वंस अगेन केयरफुली, फिर से क्वेश्चन को एकदम केयरफुली पढ़ लें और फिर फॉर्मुलेट द इक्वेशन, इक्वेशन फॉर्मुलेट करें और इतने अच्छी समझ के साथ करें कि जो इक्वेशन आप फॉर्मुलेट कर रहे हैं वो गलत ना हो। क्योंकि अगर वो गलत हो गया ना तो विश्वास करो पूरा का पूरा मेहनत आपका उस सवाल के लिए खराब हो जाएगा, क्योंकि वो आगे बनना नहीं है, फिर वो सही नहीं हो पाएगा। क्लियर। तीसरा जो एक स्टेप है वो क्लास 10 के लिए मैं कह रहा हूँ, अब तक तो 8-9 सबके लिए कह रहा था। तीसरा जो एक महत्वपूर्ण स्टेप है वो यह है कि आप अपने कॉमन सेंस से उन इक्वेशंस के पेयर को सॉल्व करने का एक सुटेबल मेथड ढूंढें, एक ऐसा सुटेबल मेथड लगाएं जो कम कैलकुलेटिव और काफी कम समय में बनने वाला हो। क्लियर, लेस टाइम टेकिंग और लेस कैलकुलेटिव हो, ये बहुत मायने रखता है जब आप बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हो। क्लियर। अब इस क्वेश्चन पे मैं पहुंचता हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, सवाल यह कह रहा है, अ फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, आफ्टर 12 इयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ हिज सन, देन फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। एक पिता अपनी पुत्र की आयु का 3 गुना है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है और 12 वर्षों के बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, उनके वर्तमान आयु को बताएं। अब जरा स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि मैं अननोन क्वांटिटीज को पहचान लेता हूं, एजेस, अननोन क्वांटिटीज। क्लियर। उसके बाद मैं उन्हें नाम दे देता हूं। देखिए, लेट द फादर्स एज बी एक्स इयर्स एंड द सन्स एज बी वाई इयर्स। अच्छा, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं लेट देयर प्रेजेंट एजेस, वो भी ठीक है। चलिए मैं भी लिख देता हूं फादर्स प्रेजेंट एज, वो भी ठीक है, कोई बुराई नहीं है उसमें। लेट देयर प्रेजेंट एजेस बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, और नीचे एक हिंट दे देते हैं कि फादर एक्स और सन वाई, तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमने ये पहला स्टेप कर लिया है, अब हम लोग सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सवाल हमसे जो कह रहा है, अ फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि यानी पिता एक्स अपने पुत्र वाई, यानी अपने पुत्र की आयु वाई का 3 गुना है। इसका मतलब जब वाई को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स के बराबर या एक्स एक्स एज के बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 3 वाई। अब जरा देखिए, समझिए, ये एक इक्वेशन ही हो रहा है, ये एक इक्वेशन फॉर्मुलेट हो रहा है यहाँ पर कि x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, लेकिन
यही यही कॉमन सेंस है, आप समझिए कि जब x plus x is equal to 3y आपके सामने हो तो जाहिर है कि अब दूसरा इक्वेशन कैसा भी हो वहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देना आसान होगा, लेस कैलकुलेटिव भी होगा और लेस टाइम टेकिंग भी होगा। इसलिए मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये इक्वेशन 1 है, लेकिन मैं इस स्टेप को भी अपने ध्यान में रख रहा हूं। क्लियर? अगेन फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आफ्टर 12 इयर्स यानी 12 साल के बाद, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पिता और पुत्र दोनों की आयु में 12 साल को जोड़ देंगे, 12 ऐड कर देंगे। जाहिर है कोई व्यक्ति अगर आज 30 साल का है तो 10 साल के बाद वो 40 साल का होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या किया आपने, 10 इयर्स ऐड कर दिया, तो यहां भी 10 इयर्स, 12 इयर्स ऐड कर दिया हमने और यहां भी 12 इयर्स। अब सर्कमस्टेंसेस देखते हैं, परिस्थिति को देखते हैं कि वो क्या है। परिस्थिति यह है कि अब उसके पिता अपने पुत्र की आयु के दोगुने हो जाएंगे, यानी दिस 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2। क्लियर? इसे ऑपरेट करते हैं, x plus 2y is equal to 2y plus 24। अब यहाँ ट्रांसपोजिशन की जरूरत है, वेरिएबल वेरिएबल्स को एक साथ कर देते हैं और कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ कर देते हैं। तो जो पहले के वीडियोस हैं एक बार आप जरूर देख ले उन्हें, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उससे आपको बहुत आसानी होगी इक्वेशन के सॉल्व करने के तरीके को समझने में। एक्स टू वाई यहाँ प्लस में है, जब इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 24। ये 12 प्लस में है, जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। क्लियर? इसका मतलब देखिए शॉर्ट है, मैं बस बगल में हिंट के लिए दे रहा हूं कि आप समझ पाए, x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। एज्यूम कर लेते हैं कि ये इक्वेशन 2 है। क्लियर? अब देखिए इक्वेशन 1 हमारे पास है और इक्वेशन 2 हमारे पास है। अब हमें बस सॉल्व करना है, कोई एक सूटेबल मेथड लगाना है, स्टेप 3। तो हम समझ सकते हैं कि आसानी से यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड ज्यादा बेटर होगा, वो बेहतर तरीके से और कम कैलकुलेटिव और कम समय में आसानी से सॉल्व कर पाएगा। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, हम ऐसे लिख सकते हैं आप आगे कर लेना, मेरे पास समय थोड़ा कम है तो मैं यही कर देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये अगला स्टेप है, जब आपने यहां लिख लिया ना तो उसके बाद का स्टेप है x = 3y। ठीक है? अब देखना, यानी जहां x है वहां 3y सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 3y - 2y = 12 और y = 12। और y हमने क्या माना था, अब जरा ध्यान से देखिए, y हमने माना था सन की एज को और सन से एज क्योंकि हम लोग इस सवाल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना रहे हैं, इसलिए इसमें जरूरी ही नहीं है कि हम इक्वेशन 2 में जाए पुट करने के लिए, इतना सफिशिएंट है कि हम यही y के वैल्यू को पुट कर दें तो x हमारे पास होगा, x = 3y और x = 3 * 12 36। ये क्या है, फादर से आंसर। पेच क्या है इस सवाल में, इस चीज को जानिए आप। पेच ये है इस सवाल का कि इस सवाल को एक वेरिएबल में भी बनाया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि फादर्स और सन्स के एजेस को अलग अलग माना जाए, एक्स या वाई माना जाए, ये जरूरी नहीं है। इस सवाल को किसी एक जैसे ये सन्स है ना, सन्स की एज को ही मानकर, सन के एज को ही मानकर एक्स एज्यूम कर या सपोज कर बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर टू वेरिएबल्स क्यों, तो आप इस चीज को समझिए कि मैंने पहले भी इस चीज का जिक्र किया था कि अगर ये क्वेश्चन क्लास 8 के एग्जाम में पूछा जा रहा है तो मैं खुद रिकमेंड करूंगा कि आप वन वेरिएबल बना दीजिए। लेकिन अगर ये सवाल क्लास 10 के एग्जाम में पूछा जा रहा है तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उसे सिंगल वेरिएबल में या वन वेरिएबल में बनाएं। मैं आपको उस समय कहूंगा कि आप इसे टू वेरिएबल्स में बनाइए। मैंने आप समझ लिया, तो ये इस सवाल का सबसे बड़ा पेच है। उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपके समझ में आई हैं, और आगे भी फर्दर मैं जब लीनियर इक्वेशंस के और क्वेश्चंस लेकर आऊंगा तो और भी कई पेच हैं जिन्हें मैं खोलने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सिनेक क्लासेस के साथ जुड़े रहेंगे। सिनेक क्लासेस के एक अगले एडुकेशनल वीडियो में आप सबसे मिलूंगा। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।